प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े इसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता। दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अंजलि। ओहो, क्या है? अरे क्या हुआ, अखबार का आया कि नहीं? क्या बात है, सुबह से चार बार पूछ चुके हो और इतने बेचैन क्यों हो रहे हो? न्यूज देखनी है ना, टीवी पे देख लो। अंजलि, केबल में भी पता नहीं क्या फॉल्ट है यार, कोई चैनल नहीं चल रहा है। ओहो, जस्ट कूल डाउन। और वैसे भी आप एक दिन न्यूज नहीं देखेंगे तो आपकी इंडियन क्रिकेट टीम मैच हारने जाएगी, ये बम धमाके होना बंद नहीं हो जाएंगे और अपनी ग्रेट गवर्नमेंट काम बिगाड़ना बंद नहीं करेगी। अंजलि, इतने लंबे भाषण की जरूरत नहीं है, और बात न्यूज की नहीं है, बात आदत की है। और अंजलि, ये टेलीविजन और अखबार ही है जो दुनिया से मेरा रिश्ता बनाए रखती है, समझी? तो एक काम करते हैं। क्या? कल से एक हफ्ते तक न्यूज़पेपर पढ़ना और टीवी देखना बंद। वो भला क्यों? आदत पड़ जाएगी। सुबह ही सुबह अगर आंखों के आगे अखबार ना आए ना, तो मन बहुत बेचैन हो जाता है। मन और दिमाग हर उस खबर के पीछे दौड़ता है जो मैंने नहीं पढ़ी। भाई पता नहीं क्या हुआ होगा, सरकार गिर गई या बच गई, या किस नेता का कोई नया घोटाला पकड़ा गया, या क्या आज हमें महंगाई जीने की इजाजत देगी, या किस देश ने हमारे देश के साथ अपनी दोस्ती बम फोड़ कर निभाई। भाई चीजें तो हमारे बस में नहीं है ना, जैसे बारिश, पेट्रोल के दाम, अच्छी सरकार चुनना, या फिर हमारी आबादी, जैसे जेठालाल के बस में नहीं है। अरे चंपकलाल और टप्पू। भ्रष्टाचार देश का दुश्मन है, वाकई। टप्पू, टप्पू, आचार देश का दुश्मन है। ओ जेठालाल, बोलो भिड़े, क्या कंप्लेन है? पढ़ना आता है? ये कंप्लेन है? पढ़ना आता है तो जरा वो पढ़ो, सोसाइटी के बोर्ड पर तुम्हारे टप्पू ने क्या लिखा है, पढ़ो उसे। आचार देश का दुश्मन है। कौन है ये आचार? अरे आचार मतलब जो खाने में खाने के साथ खाते हैं। अथाना? क्या? वही रोटली के साथ तो लाल लाल होता है, वही ना? हाँ वही वही, एकदम चटाकेदार। अरे वो तो मुझे बहुत पसंद है, मैं भी बहुत खाता हूँ। वो गलत लिखा है, आचार थोड़ी देश का दुश्मन होता है। बदल दो, बदल दो। अरे बदलो क्या बदलो, तुम विषय मत बदलो, टप्पू ने ये जान बूझ कर लिखा है। क्यों? क्योंकि मेरी बीवी अचार का बिजनेस करती है ना, इसलिए मुझे परेशान करने के लिए उसने ऐसा लिखा है। ये भिड़े, तुम किधर की बात किधर ले जाते हो यार, है? देखो तुम होशियार आदमी हो, अच्छा दिमाग है, ये दिमाग को कोई अच्छे काम में लगाओ। और देखो ये छोटी मोटी कंप्लेन अभी बंद करो, कोई बड़ी कंप्लेन हो ना तो ही मेरे पास आने का, ठीक है? एक मिनट, चलो क्या, मैं तुम्हें फाइनल वार्निंग देता हूँ जेठालाल, आगे से टप्पू ने मेरा स्विचर बदला या फिर मेरा मजाक उड़ाया तो मैं टप्पू को बोर्डिंग स्कूल में भेज दूंगा, बस। कौन है? क्या है? अरे देखा, अरे टप्पू क्या कम था जो मुझे परेशान करने के लिए अपने पिताजी को ही बुला लिया गांव से। ये भाई, मैंने क्या तुझे परेशान किया? अरे क्या चाचा जी, कभी मेरे ऊपर कुल्ली करते हो, कभी धोती निचोड़ते हो। अरे तो उसी वक्त तू क्यों नीचे खड़ा रहता है? वी 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 वी
समझाओ समझाओ जरा। एक काम करो भिड़े भाई, आप इन्हें एक कागज लो, उसका दो भाग बनाओ, एक बाजू टप्पू लिखो, एक बाजू बापूजी लिखो, और उनके नाम के नीचे जितना आपका कंप्लेन है ना, ऐसे पूरा कागज भर दो, और महीने के आखिर में मुझे वो कागज दो, एक साथ में मैं दोनों को समझा दूंगा, ओके? अच्छा, मजाक सोच रहा है, मजाक सोच रहा है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक सुशिक्षित शिक्षक के साथ अशिक्षित व्यवहार करने की शिक्षा क्या होती है। क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, पुलिस कंप्लेन करेगा। जाओ जाओ करो। अरे पुलिस के पास है ना सोसाइटी के छोटे मोटे झगड़े में मगजमारी करने का टाइम ही नहीं है। जाओ करो करो जाओ। पुलिस कंप्लेंट नहीं करूंगा जेठालाल। मानव अधिकार आयोग का नाम सुना है, जो ऐसे ही सोसाइटी के छोटे मोटे झगड़ों का निवारण करने के लिए बनाया गया है, लेकिन उसकी सजा छोटी नहीं होती, सजा बहुत बड़ी होती है। अब तुम्हें पता चलेगा कि ऐसे बाप का बेटा होने की और एक ऐसे बेटे का बाप होने की सजा क्या होती है। जेठालाल कम से कम 10 साल। पिछली बार टप्पू की वजह से जेल जाना पड़ा था, लगता है इस बार बापूजी की वजह से जेल जाना पड़ेगा। ये बापूजी और टप्पू का मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। एक्सक्यूज मी, जरा एक अच्छा सा हेडफोन दिखाएंगे। एक अच्छा हेडफोन दीजिए ना। लीजिए भाई साहब। हाँ, इसे कितने पैसे हुए? सेठ जी को काउंटर पर दे दीजिए पैसे। अच्छा अच्छा, एक्सक्यूज मी, बाकी के पैसे लौट आएंगे। भाई साहब, हेडफोन के पैसे नहीं चाहिए क्या? कितना हुआ ये भी मैं बताऊं क्या? 600 रुपया। कमाल है, हेडफोन का भाव ही वही है क्या? कमाल अभी उसमें। सेठ जी आपको क्या हो गया है? क्या बताऊं नटू काका, ये टप्पू और बापूजी की वजह से मैं परेशान हो गया हूँ। टप्पू को सुधारने के लिए मैंने बापूजी को गांव से मंगाया, तो अभी बापूजी हर रोज नई मुसीबत खड़ी कर देते हैं। अभी बापूजी को सुधारने के लिए गांव से किसको मंगाऊं? पता है अभी टप्पू बापूजी को जेठालाल बना के स्कूल में ले गया था, और मजे की बात तो यह है कि बापूजी भी जेठालाल बन के वापस गए। हाय हाय, मैं थक गया हूँ, हार गया हूँ, समझ में नहीं आता है मैं इन दोनों का क्या करूँ। सेठ जी, परिस्थिति को सुधारने के लिए मेरे पास एक उपाय है। नटू काका, अगर आपका उपाय काम कर गया तो कल से मैं सूरत दादा के साथ साथ आपको भी एक लोटा पानी चढ़ाऊंगा। बताइए जल्दी बताइए, उपाय क्या है? आप काले जादू में विश्वास करते हैं? अगर टप्पू और बापूजी सुधरते तो काले क्या, नीले पीले हरे सफेद सब जादू में विश्वास करने लगूंगा। तो मेरी ध्यान में एक बाबा है। किसका? बाबा इतने बच्चा नहीं, तांत्रिक बाबा, बहुत ही ज्ञानी शक्तिशाली महान काले जादू के ज्ञाता है। उनका कोई नाम है? झिंगुर बाबा। झिंगुर बाबा, झिंगुर बाबा की जय। आओ बच्चा, झिंगुर बाबा के दरबार में आपका स्वागत है। आओ
अच्छा अपना नाम बताओ। जेठालाल। बाबा के दरबार में कैसे आए? गाड़ी से। ओम चामुंडाई महा, मतलब किस काम से आए हो? बाबा मेरा यहाँ आने का मेन कारण मेरा बेटा और मेरा बापूजी ही है। उन दोनों ने मेरा जीना आराम कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि वो दोनों मुझे अनलक्की ड्रॉ में लगे हैं। बाबा वो दोनों मेरी कोई बात नहीं मानते। कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए जिससे वो मेरी सब बात मानने लगे और मेरे बस में आ जाए। चिंता ना करो बच्चा, मैं आपको एक चीज देता हूँ। बाबा बालिके। वाह बाबा, बाबा मैं ये चीज अपने साथ घर पे नहीं ले जा सकता। ओम चामुंडाई महा, ये चीज मेरी है, मैं किसी को नहीं देता। बालक बालिके चेंज। हेलो चीज, इसे तकिए के नीचे रख देना। अच्छा। ओम रीम चीम चामुंडाई महा। ओम बेवकूफ, मेरी नहीं, अपने बेटे और बाबूजी के तकिए के नीचे रखना। अच्छा अच्छा एक मिनट। उससे क्या होगा बाबा? वो दोनों भीगी बिल्ली बन जाएंगे। अरे वाह, लेकिन फिर वापस वो इंसान भी बन जाएंगे ना? बेवकूफ जैसी बात नहीं करना। भीगी बिल्ली मतलब तुम्हारे बस में आ जाएंगे। इसे तकिए के नीचे रखने के बाद 6-7 घंटे में इसका असर शुरू हो जाएगा। थैंक यू बाबा। ओ थैंक यू के बच्चे कहाँ जा रहा है? तकिए के नीचे रखने। ओम चामुंडाई माँ, बच्चा दक्षिणा दो। सॉरी बाबा, कितना हुआ? 1100। अरे 1100 क्या बाबा, मैं तो इसके लिए 2000 देने को तैयार हूँ बाबा। थैंक यू बच्चा। थैंक यू बाबा। जय हो झिंगुर बाबा की, जय हो झिंगुर बाबा की। जय बाबा झिंगुर बाबा रे। वाह थैंक यू। नमस्ते बापूजी। क्या छिपा रहा है वो? दवाई है बाबूजी मेरी। दवाई? अरे कैसा ढीला हो गया है तू, ये क्या है? दवाई खा खा कर जी रहा है? जाकर 2 महीना गांव में जाके रह और कुश्ती कर तो तेरे शरीर में चुस्ती आएगी। बापूजी इधर काम धंधा छोड़ के मैं गांव में जाके कुश्ती करूँ तो फिर क्या कर रहा है? एक बाजू सीधा खड़ा रहे ना। बापूजी मैं तो एक ही बाजू खड़ा हूँ, आप बार बार घूम रहे इसलिए। फटा हुआ ढोल कहीं का बापूजी। और सुबह मेरे टप्पू को बोर्डिंग भेजने की बात क्यों कर रहा था? हैं? खबरदार खबरदार जो ऐसा सोचा भी तो है। बापूजी अभी किसी को कहीं भेजने की जरूरत नहीं है, मुझे कल सुबह होते ही सबके सब मेरे वश में आ जाएंगे। दया दया। अरे सुनिए, अरे ये क्या है? मेरे लिए गिफ्ट लाए हैं। मुझे पता ही था आप बाहर से नारियल जैसे हैं पर अंदर से रसगुल्ला जैसे, बताइए ना। अरे अरे, अरे छोड़ो, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट नहीं है, ये तकिए के नीचे रखने के लिए। अच्छा, इससे क्या नींद अच्छी आती है? नहीं, इस इसे इसका क्या मतलब होता है? मतलब इससे धंधे में बरकत होती है, ऐसा एक बाबा ने मुझे बताया। उन्होंने ही दिया ये और कहा है किसी को भी मत बताना। आपने मुझे तो बता दिया। उन्होंने कहा है पत्नी को बता सकते हैं, जीवन में अगर सुखी रहना है तो सब कुछ अपनी पत्नी को बता ही देना चाहिए। समझी? अब तू मुझे ये बता टप्पू कहाँ है? टप्पू तो नीचे है और बापूजी भी अभी अभी बाहर गए। इसका मतलब इस वक्त घर में हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है।
नहीं, कोई नहीं है। तो उसमें इतना शर्मा क्यों रही है? एक काम कर, तू खाना निकाल, तब तक मैं जरा नहा के आता हूँ। जी। कल से मेरी दुनिया बदल जाएगी। कल से कैसी होगी मेरी दुनिया? टपू। जी पापा। बैट रख दो, हाथ में पेन ले लो। लेकिन पापा, टपू पेन से क्रिकेट कैसे खेलेगा? अरे क्रिकेट खेलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, होमवर्क करने के लिए बोल रहा हूँ। बेटा खेलने दो ना उसे। कोई जरूरत नहीं है। ठीक है पापा, जैसा आप कहोगे वैसा ही टप्पू करेगा। गुड, जाओ, वेरी गुड। लेकिन बेटा वो। बापूजी, आप बीच में मत बोलिए, आप भजन गाइए, लेकिन बिना आवाज किए। बिना आवाज किए भजन कैसे गा सकता हूँ? वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मन में गाइए। ठीक है। ताली का आवाज भी नहीं। गुड। मजा आ गया बाबा, मजा आ गया। जय बाबा सिंगर बाबा की। जय बाबा जय बाबा सिंगर बाबा की। ओहो। ये टप्पू कब लाया? अगर उनको पता चलेगा तो मेरे बाल गोपाल को डांटेंगे। ये टप्पू भी। अब होगी धंधे में बरकत। जय बाबा जिंगुर बाबा की। जय बाबा जिंगुर बाबा की। हाँ हाँ दया, गुड नाइट। जय बाबा जिंगुर बाबा की। मजा आ गया, कल से मेरा जीवन जाएगा बदल। टप्पू को थोड़ी देर और खेलना है। अरे बहू, ये जेठा कहाँ है? मैंने उसे गांव में नाथालाल को फोन करने के लिए बोला था, उसने किया कि नहीं? जेठा, मैं बुलाती हूँ बापूजी, बुलाती हूँ। प्रणाम बापूजी। प्रणाम दया जी। प्रणाम मेरे बाल गोपाल टप्पू जी। जरा कल्पना करें हुजूर, जैसे रेगिस्तान में बाढ़ आ रही है, अमावस्या में खूबसूरत चांद खिला हुआ है, सरसों के खेत में इलायची उग रही है, आश्चर्य होता है ना? अरे जेठा की हालत भी तो ऐसी है जैसे देख के बड़ा आश्चर्य हो रहा है। बेचारे चाहते थे टप्पू को वश में करना और खुद फंस गए वशीकरण के जाल में। अब ये कहानी आगे क्या होल खिलाएगी ये देखने वाली बात है, मजा तो बड़ा आएगा। अब ये कहानी क्या मोड़ लेती है इसका आपको और हमें मिलके मजा उठाना है, इसलिए भूलिएगा मत, देखिएगा जरूर मेरे साथ। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल।
Click the show links and enjoy watching the videos.